हेलो माय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिफरेंट पे। बात करेंगे आईसी और चिप में। पहले चिप की बात करते हैं। चिप को बोलते हैं मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी दोनों चीज़ें एक ही हैं। वो छोटे स्तर पे जो सर्किट होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है, सस्ता होता है, रिपेयरेबल नहीं होता। आईसी में थोड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, थोड़े बड़े सर्किट होते हैं और ये बदली जा सकती है, यानी कि ये यूजर थ्रो तो होती है लेकिन इसकी जगह नई आईसी लगाई जा सकती है, लेकिन इसकी जगह नया नहीं लगाया जा सकता, पूरा सर्किट ही फेंकना पड़ता है। छोटे कंपोनेंटों में अक्सर इन्हें यूज़ किया जाता है, लेकिन कभी कभी महंगे सर्किटों में भी कंपनियाँ पैसे बचाने के लिए इन्हें यूज़ कर लेती हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो आईसी एक अच्छा विकसित रूप है चिप का। चिप एक सस्ता और जुगाड़ वाला सिस्टम है, तो बेसिकली दोनों में अंतर यही है दोनों इंटीग्रेटेड सर्किट ही। एक सस्ता है, एक महंगा है, एक को बदला जा सकता है, एक को बदला नहीं जा सकता, बाकी इनमें कोई अंतर नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि चिप में क्या होता है और आईसी में क्या होता है। चिप में जनरली छोटे सर्किट ही होते हैं, ज़्यादा बड़े सर्किट्स के लिए चिप नहीं होता। आईसी में बहुत बड़े बड़े सर्किट भी होते हैं, आईसी का साइज़ बड़ा होता चला जाता है, लेकिन चिप जनरली ज़्यादा बड़े सर्किटों में यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसके ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है, क्योंकि इसके कूलिंग वगैरह का इशू रहता है। आईसी में कूलिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप आईसी और चिप के अंतर को समझ गए होंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।